और भाई लोग क्या हालचाल, सब लोग बढ़िया हैं? हमेशा बढ़िया ही रहना यार। तो आज हम लोग एक बार फिर से खेल रहे हैं यार एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल में रैंक मोड। एंड हाँ, आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ मैं अपनी एक और नई और गेम प्ले वीडियो में। तो अब जब आ ही गए हो तो यार स्टार्टिंग में ही मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना याद से, अगर नहीं किया है तो कर देना। वैसे आसपास यार बंदे उतरे हैं तो निकलना पड़ेगा, बिकॉज अपने पास गन नहीं है एंड उसको ऊपर जो ब्लड हाउंड था उसको गन मिल चुकी होगी। तो सबसे पहले इधर आके हम लोग लूट कर लेते हैं, बिकॉज हमारे पास एक भी गन नहीं है। बस हम लोग यहाँ पे गन मिल जाए यार, क्योंकि यहाँ नीचे साइड ना एक भी गन मिलती नहीं है। तो जैसा मैंने सोचा था यहाँ पे एक भी गन नहीं पड़ी है, बट गन यार अपने को चाहिए। यहाँ पे जाके चेक करते हैं, मे भी अपने को यहाँ पे गन मिल सकती है, बट देख लेते हैं। भाई नहीं है अभी भी यहाँ पे। ओके, तो ये छुटकी वाली शॉट गन मिल गई है। और इधर कौन सी पड़ी है? ओके, ये स्नाइपर है। स्नाइपर अभी अपने को ज़रूरत नहीं है यार, स्नाइपर की अभी अपने लोग को ज़रूरत नहीं। ओके, यहाँ पे मेडिकिट है तो अपन लोग यहाँ पे इस वाली गन को लेते हैं। ओके, हम लोग ने यहाँ पे एक्सचेंज कर लिया है। एंड अभी यार ऊपर जाके भी एक बार चेक कर लेते हैं, मे भी अपने को अपने काम की गन मिल जाए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मे भी शायद अच्छी गन मिल जाए। वैसे ये दोनों गन जो इतना तक खास नहीं है, गन अच्छी हैं बट यार मेरे को चलानी नहीं आती, इसीलिए मैं इनको बुरा भला बोल रहा हूँ। बाकी गन यार दोनों ही अच्छे हैं। तो यहाँ पे ओके इसको ले लेते हैं, हैवॉक राइफल हम लोग चलाएंगे, क्योंकि शॉट गन से यार थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो अब चलते हैं यार उन बंदों को निपटाने, वरना हमारे टीममेट्स ना निपट जाएं। तो अब जल्दी से निकलते हैं वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे फाइट चल रही है, बहुत देर से फाइट चल रही है। ओके, तो अब जाके जो है एक दो बंदों को निपटाते भी हम लोग वहाँ पे। ओके, कहाँ पे हैं, कहाँ छुपे बैठे हो? तुम्हारी तो अभी तो बड़ा नेता बन के यार। ओके, सामने ये ब्लड हाउंड है मे बी, तो इसको निपटाते सबसे पहले। कहाँ चला गया? अरे तेरी तो कहाँ है ब्लड हाउंड? ओके, ये सामने ही है। बाय 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 बाय। ओके, तो इसकी शायद बहुत ज़्यादा कम एचपी थी इसीलिए निपट गया तुरंत। ओके, तो अपने को यहाँ पे फ्रंट लाइन मिल चुकी है। एंड भाई सच में ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड अब हम लोग जो है इसको यूज़ करने वाले हैं। एंड इसके डब्बे में क्या है ये भी देख लेते हैं। ओके, कुछ भी नहीं यार अपने मतलब पे यहाँ पे। एंड मुझे लग रहा है यार यहाँ पे और कोई बंदे बचे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही स्क्वाड उतरा था एंड वो पूरा स्क्वाड में भी निपट चुका है। एंड इधर पे देखो मेरे को काफ़ी सारी क्रेट दिख रही हैं, तो वहीं पे चलते हैं, थोड़ी बहुत लूट मारते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रेट हैं बहुत सारी। तो मे बी यहाँ पे हम लोग को एमओ मिल जाए एंड बहुत सारी अच्छी अच्छी गन्स भी मिल सकती हैं। तो देखते हैं भाई क्या यहाँ पे। ओके, तो अपने को यहाँ पे एमओ मिल चुकी हैं, तो सबसे पहले इन एमओ को उठाते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे मेडिकिट भी पड़ी है, बट इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो मेडिकिट नहीं लेने वाले हम लोग यहाँ पे। बाकी इधर पे भी बहुत सारी क्रेट्स हैं, तो इनको भी चल के खोलते हैं। बस एक और अच्छी गन मिल जाए यार मेरे को यहाँ पे। ओ भाई, ये क्या पिंग नौटंकी कर रहा है इसकी तो। अरे अरे, बगल से बंदा आ गया भाई और पिंग भी नौटंकी कर रहा है। तो आराम से यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा। सबसे पहले शील्ड चार्ज करते हैं, एंड मे बी एक बंदा नहीं होगा, स्क्वाड होगा पूरा। ओके, वो सामने ये मेरे ब्लड हाउंड आ रहा है इसकी, तो फिनिश करते हैं इसको। बाय बाय। ओ भाई, ये रिलोड ही नहीं थी, तो बहुत कम एमओ बची थी, बट इसको हम लोग फिनिश कर देंगे। बाय बाय, मे बी इसकी बहुत कम एचपी थी। ओके, उधर पे रेत भी खड़ी है, बट यहाँ पे मेरा टीममेट आ चुका है। अच्छा, वो मैं ही हूँ, मैंने यहाँ पे माइलेज की एबिलिटी यूज़ करी, मेरे को लगा मेरा टीममेट आ गया यहाँ पे, बट कोई बात नहीं भाई। एक बंदा नहीं, यहाँ पे दो तीन बंदे हैं। एंड ये देखो सामने भी खड़ा है, इसको फिनिश करते हैं बट आराम से। ओके, फिनिश, दो बंदे नॉकडाउन। इसका रेत का काम फिनिश करना पड़ेगा इसकी तो। भाई ये रिलोड का झंझट मैं क्या ही बताऊं यार इसकी तो। भाई इस रेत ने तो यार परेशान करके रख लिया है, बट कोई बात नहीं, आराम से मारेंगे इसको। है कहाँ पे? उधर भी बहुत सारे स्क्वाड हैं, बट सबसे पहले इस रेत को निपटा के जाएंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, ये ऊपर चली गई है। भाई मेरा पिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा नौटंकी कर रहा है, एंड मे भी मेरा काम होने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी ये रेत भी, भाई इसका भी पिंग ख़राब है क्या? इसको फिनिश करेंगे, इसकी तो परेशान करके रख लिया भाई, इस बार फाइनली इसका काम करने वाले हैं। बट सबसे पहले शील्ड चार्ज कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि शील्ड भी बहुत ज़्यादा डैमेज थी। तो कहाँ पे चली गई भाई ये? ओके, वो ऊपर है शायद। अरे मैं चढ़ क्यों नहीं पा रहा? अच्छा, ये नीचे ही थी भाई, नीचे ही थी इसकी तो। ओके, फिनिश यार, फाइनली यहाँ पे मैंने इसको जो है ख़त्म कर ही दिया यहाँ पे। बाकी उधर पे यार काफ़ी सारे बंदे। अच्छा, ये है एक इधर पे लाइफ लाइन भी है, इसको फिनिश करते हैं। इन सब के पास लेवल वन का वेस्ट है। ओके, फिनिश। इनके डब्बे में क्या क्या आइटम है हम लोग लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले। ओके, यहाँ पे अपने लोग को एमओ मिल चुकी है, जो कि अपने लोग को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है जिनकी। एंड इसके डब्बे में क्या है? रेत। भाई इसने तो परेशान करके रख लिया था कि कुछ भी नहीं इसके डब्बे में, तो निकलते हैं यहाँ से यार।
एंड यहाँ पे अपनी शील्ड भी चार्ज करेंगे क्योंकि शील्ड भाई देख सकते हो कितने ज़्यादा डैमेज है, एंड एचपी भाई देख सकते हो मतलब इतनी कम एचपी मैंने इतने सारे बंदों को निपटा दिया। मे बी वो अच्छे प्लेयर्स नहीं होंगे बट फिर भी यार मैं भी इतना अच्छा प्लेयर नहीं हूँ, नया प्लेयर हूँ बट मैंने उनको निपटा दिया यहाँ पे। तो अब सबसे पहले मेडिकेट मारते हैं फिर यहाँ से चलते हैं भाई। मतलब इतनी कम एचपी थी आप भी सोचो, मतलब मैंने 3-4 बंदों को निपटा दिया वहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी एचपी से। उसके बाद मैंने मेडिकेट भी नहीं मारी थी वहाँ पे, सिर्फ वहाँ पे शील्ड चार्ज करी थी एक दो बार। वो देखो सामने एक बंदा है तो आराम से पहले बातचीत होती रहेगी बट पहले इस बंदे को निपटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते हैं यहाँ पे एंड एक स्क्वाड नहीं, यहाँ पे काफ़ी सारे स्क्वाड ऐसा लग रहा है। देखो सामने है, इसको फिनिश करते हैं, बाय बाय। ओके एक बंदा नॉक डाउन, और कहाँ पे हैं बंदे? ओके इसको तो टीममेट ने फिनिश कर दिया। ओके भाई क्या ही खेल रहे मेरे टीममेट्स बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से। देखते हैं यार आज हम लोगों में से मतलब सबसे ज़्यादा किल कौन कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पूरे स्क्वाड में, क्योंकि रैंडम भी यार काफ़ी ज़्यादा तगड़ा खेल रहे हैं। ओके इन दोनों को नॉकडाउन कर दिया तो इनको यहाँ पे फिनिश करते हैं क्योंकि वो तो अपने वाले नॉकडाउन प्लेयर को फिनिशर दे रहा है। तो अपन लोग यहाँ पे सबसे पहले इसके डब्बे में क्या है उसको उठाते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं था यार, अपने काम का आइटम था ही नहीं इसलिए मैं तुरंत वहाँ से भाग आया। ओके अभी और भी बंदे यहाँ पे तो चलते हैं उधरी पे। ओके वो आपस में मे बी दो स्क्वाड ना सामने लड़ रहे हैं तो अपन लोग उधरी पे चलते हैं। एक स्क्वाड नहीं है वहाँ पे, दो स्क्वाड है, मे बी वो आपस में लड़ रहे हैं तो अपन लोग जाके वहाँ पे फ़ायदा उठाते हैं। भाई स्कोप नहीं अपने पास वरना इनको थोड़ा बहुत तो डैमेज दे ही देता। भाई एक भी गोली नहीं लगी मतलब इतना दूर हूँ मैं, बट आराम से इसको फिनिश करेंगे सबसे पहले। बाय बाय ब्लड हाउंड, ओ सॉरी ये ब्लड हाउंड नहीं था, ये ऑक्टेन था, सॉरी बाय मिस्टेक। ये ऊपर भी है बंदा एक, बट सबसे पहले इसको फिनिश करेंगे। माइरेज है ना, वो कहाँ गया तेरी? तो इसके पास लेवल 1 का वेस्ट है तो दिक्कत नहीं अपने को यहाँ पे। बाय बाय कहाँ चल रहा है तेरी तो। ओके ये भी नॉकडाउन, इसकी में भी ऐसा बहुत ज़्यादा इसकी जो एचपी थी वो कम थी इसलिए फिनिश हो गया बहुत ही जल्दी। अभी एक बंदा और है, रेत है इसकी, तो इसको फिनिश करते हैं। बाय बाय, ये तीनों का काम यहाँ पे हम लोगों ने फिनिश कर दिया है। के भाई 3 किल निकाल लिए यहाँ पे, वो दो स्क्वाड ना यार आपस में लड़ रहे थे इसीलिए हम लोग को यहाँ पे काफ़ी सारा फायदा मिला। एंड ओके यहाँ पे गन पहले सबसे पहले वाली लेते हैं क्योंकि अपने को ये वाली गन बहुत ज़्यादा पसंद है। ये वाली एमओ ड्रॉप करते हैं एंड इसकी एमओ भी अपने पास, तो अब जो है मज़ा आने वाला है। अब अपने को लोग को यार काफ़ी सारे आइटम मिल चुके हैं एंड यहाँ पे कोई और बंदा है क्या आसपास? सबसे पहले लूट कर लेते हैं यहाँ पे इनके डब्बों में क्या क्या आइटम है। ओके कुछ नहीं इतना भी खास, एंड मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे यार और कोई बंदा होगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर होता तो यार हमारी फायरिंग की आवाज़ सुन के अभी तक यहाँ आ चुका होता। तो यहाँ से यार अपने को निकलना चाहिए एंड यहाँ पे कोई शॉर्टकट भी नहीं कि हम लोग बहुत जल्दी यहाँ से निकल लें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जिप लाइन भी नहीं है ना हॉट एयर बलून है। तो अपने को यहाँ पे चल के ही बहुत, ओ भाई एक मिनट कौन है तेरी तो भाई पूरे शील्ड की तैसी कर दी तेरी तो। अच्छा वो है कि तो वो भी माइरेज है शायद, ओके उसको पहले कन्फ्यूज करते हैं हम। कहाँ चला गया? अच्छा मेरे को कन्फ्यूज़ कर रहा तेरी तो, कि फाइनली मेरे टीममेट ने उसको फिनिश ही कर दिया। जब तक मैं अपनी यहाँ पे शील्ड चार्ज कर रहा था ना मेरे टीममेट ने उसको फिनिश ही कर दिया। तो सबसे पहले यार शील्ड चार्ज करते हैं क्योंकि जोन भी आ गई, वैसे जोन से इतना डैमेज नहीं पड़ रहा अपने को बट फिर भी यार निकलना पड़ेगा यहाँ से। एंड अब हम लोग यार आ चुके हैं एक ऐसे एरिए में जहाँ पे बहुत सारे बंदे उतरते हैं एंड यहाँ पे मैं यही सोच रहा हूँ कि भाई यहाँ पे मुझे बंदे मिलेंगे मारने को, बट सबसे पहले यहाँ पे सिरिंज मारते हैं और आसपास। ओके आसपास कोई बंदा है हमारे, ओके वो सामने ही है कि तो, ओ भाई किल चोरी हो गया बट कोई बात नहीं, मे बी वो अकेला ही था बट यार शील्ड की ऐसी तैसी कर गया था। ओके तो इधर भी ये 2 क्रेट पड़ी थी, सबसे पहले मैं सोचा यार यहाँ से लूट कर लेते हैं बट अपने जो स्लॉट्स हैं ना बैग की वो फुल हो चुके हैं और ये बंदा भी हमारे सामने, तो चलते हैं। मे बी एक बंदा नहीं है वहाँ पे, स्क्वाड है पूरा, तो आराम से केयरफुल होके मारेंगे। ये 7 स्क्वाड लेफ्ट है अभी। ओ भाई अरे अरे कौन है ऊपर से, कौन है तेरी तो? अच्छा ही प्लेयर लग रहा भाई। अरे अरे भाई उसको हाइट का यहाँ पे एडवांटेज मिल रहा, तो नीचे रह के फाइट लेना बेवकूफ़ी है। तो हम लोग यहाँ पे जो बंदे हमारे सामने हैं उनको निपटाएंगे, तो सबसे पहले इसको निपटाते हैं। कहाँ गया तेरी तो? अबे मोटे इसकी तो, अरे डोम बना रहा इसकी तो। ले भाई मैंने उसको कंफ्यूज कर दिया, वो पागल हो जाएगा, पता नहीं किसको मारेगा बट हम लोग जो है उसका तब तक काम ही ख़त्म कर देंगे। तेरी तो परेशान करके रख लिया भाई इसने तो, मेरे को परेशान कर लिया भाई। ठीक कहाँ गया?
अबे यार फिर यहाँ पे किल चोरी हो गया भाई मेरा, ये किल पूरा का पूरा मेरा था, मैं हूँ यार बेवकूफ़, मैं उसको मार नहीं पाया कि ये सामने रेत है। अरे 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 निकलना पड़ेगा भाई, शील्ड चार्ज करने के चक्कर में हमारा काम हो जाए। और ये क्या हो रहा भाई, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं, अपने आप पता नहीं क्या होने लगा, बट कोई बात नहीं, हम बच गए यहाँ पे, बट अब इसका काम फिनिश हो जाएगा, बाय बाय। ओके फाइनली रेत गई यहाँ पे, और भी बंदे यहाँ पे तो उनका भी काम फिनिश करेंगे, बट शील्ड चार्ज कर लें अपनी, क्योंकि शील्ड भी डैमेज हो गए थे हमारे, और ये आसपास माइरेज है मे बी हमारे, इसको रिवाइव देने तो नहीं आया है भाई। रियल वाला माइरेज कौन है यार, यही है क्या? अरे नहीं यार तो क्लोन है, रियल वाला माइरेज कहाँ चला गया भाई, कहाँ भाग गया इसकी तो। ओके मेरे सामने ही है, बट मेरे टीममेट्स ने उन सब का जो है यहाँ पे काम फिनिश कर दिया है, एंड अभी हम लोगों ने जो भाई 10 किल कंप्लीट कर लिए, एंड यहाँ पे सिर्फ 3 स्क्वाड बचे हुए हैं हमारा और 2 दुश्मन के हैं, एंड ऊपर से यार कोई फाइट लेने की कोशिश कर रहा था, कोई एनिमी था ऊपर। ओके ओके इधर पे है इसकी तो, कोई फिनिश करते हैं। अबे इतना सारा डैमेज भाई, फिर किल चोरी हो गया, इतना सारा मैंने उसको डैमेज दिया एंड मेरा यहाँ पे एक किल और चोरी हो गया भाई, कितने सारे किल मेरे चोरी हुए। आप डैमेज देखो एंड उसके बाद मेरे किल्स देखो, मैं अभी तक यार 15 किल हो जाने चाहिए थे, बट कोई बात नहीं, टीममेट्स ही हमारे, हम दे देते हैं किल। ओके अभी 1v1 की फाइट है, 1v1 की नहीं, मेरा मतलब ये है कि 1 स्क्वाड वर्सेस 1 स्क्वाड की, तो यहाँ पे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, एंड ऊपर मे बी शायद ड्रॉप गिरी है वो है, तो उसको जाके चेक करते हैं, मे बी मुझे मेरी फेवरेट गन यहाँ पे मिल जाए तो चेक करते हैं भाई क्या इसमें। तो यहाँ पे हेलमेट अच्छा था, बट गन जो है अपने काम की नहीं है, बट बंदे हैं सामने, बंदे हैं तो केयरफुल रहना पड़ेगा, और ये लाइफलाइन है इसकी तो, इसको तो मैं ही मारूंगा क्योंकि मेरे बहुत सारे किल चोरी हुए, एंड फाइनली इसको हम लोगों ने फिनिश कर दिया है, बस अपने को यहाँ पे शील्ड चार्ज करनी है बिकॉज शील्ड भी डैमेज उसने कर दी थी मेरी। ओके एक बंदा नॉकडाउन किया, अभी और भी बंदे थे यहाँ पे आसपास क्या? ओके 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 एक और है, इसको फिनिश करते हैं। अरे तेरी तो, फाइनली यहाँ पे लास्ट बंदे को किल करके हम लोग यहाँ पे बन चुके हैं चैंपियन, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो भाई हमारा 76 रैंक प्लस हुआ है, एंड अब देखते हैं सबसे ज़्यादा किल हमारे स्क्वाड में किसने करे हैं। ओके भाई इस बंदे ने 16 किल कर दिए हैं, तो टोटल हमारे स्क्वाड ने मिल के 32 किल करे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एंड आप डैमेज देख सकते हो यार काफ़ी, मतलब ज़्यादा डैमेज यार इस लौंडे का, मतलब 3000 से भी ज़्यादा, मतलब काफ़ी अच्छा खेल रहा था ये। बाकी यहाँ पे हम लोग की रैंक कितनी प्लस हुई है वो भी देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो देखते हैं हम लोग की रैंक यहाँ पे कितनी प्लस हुई है। ओके तो हम लोग यहाँ पे गोल्ड फर्स्ट में आ चुके हैं, एंड मे बी कुछ दिन में हम लोग यहाँ पे प्लेटिनम भी पहुँच जाएंगे, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड कैसा लगा आप लोग को गेम प्ले कॉमेंट्स में ज़रूर बताना, तो मिलते हैं आप सभी लोग से यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।